ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बोलती हूँ करो योग रहो निरोग, वैसे ही नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हमारा बिजी शेड्यूल हो चुका है तो हम बहुत कम ही टाइम नेचर के साथ देते हैं। इसी वजह से आई वुड रिकमेंड कि आप हॉलीडेज प्लान करें, क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं तो राजस्थान इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट। एज मेरे पास टाइम कम था तो मैंने उदयपुर सिटी को चूज़ किया। चलिए लेकर चलते हैं आपको उदयपुर ट्रिप पर। आई वुड टेल यू अबाउट दी एक्सपेंसेस आई हैव इनकर्ड एंड द बेस्ट प्लेसेस वेयर आई हैव विजिटेड। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद यू विल हैव एन आइडिया जब आप उदयपुर जाएँ तो आप कौन कौन सी प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी जर्नी प्रयागराज से स्टार्ट करी। सो आई वॉज लुकिंग फॉर दी ऑप्शन कि मैं ट्रेन से जाऊँ या फ्लाइट से जाऊँ, विच विल बी मोर रिजनेबल एंड इकोनॉमिकल फॉर मी। गोइंग बाय फ्लाइट वॉज 1,000 to 10,000 रुपीज वन वे ट्रिप, विच वॉज नॉट रिजनेबल। सो मैंने ट्रेन देखी, ट्रेन वर ऑल्सो ओनली वंस इन अ वीक, सो मुझे बेटर ऑप्शन मिला दिल्ली से ट्रैवल करने का फ्लाइट से। सो आई टुक अ ट्रेन ओवरनाइट जर्नी प्रयागराज से दिल्ली, एंड दिल्ली से मैंने फ्लाइट बुक करा टू उदयपुर, विच आई गॉट अ वेरी गुड डील। सो अगर आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपनी एयरलाइंस टाइम से एक डेढ़ महीने पहले भी बुक करेंगे, सो आपको विस्तारा एयरलाइंस या इंडिगो में अच्छा ऑप्शन मिल सकता है, वेर इन द टिकट्स आर फ्रॉम 1900 to 2100 to 2200। बिटवीन दिस यू विल गेट द टिकट्स एंड इट विल टेक 1.5 hours टू रीच उदयपुर। सो जैसे कि मैंने प्रयागराज से जर्नी लिया था तो मैंने रात की ट्रेन लिया अर्ली मॉर्निंग, सोते सोते मेरे को पता भी नहीं चला मैं मॉर्निंग में पहुंच गई, एंड फिर मैंने मॉर्निंग में आफ्टर 3 hours आई टुक दी फ्लाइट विस्तारा एयरलाइंस फ्रॉम दिल्ली टर्मिनल 3। ये विस्तारा लिया था तो विस्तारा टर्मिनल 3 से ट्रैवल होता है, फ्लाई करता है, तो मैंने टर्मिनल 3 न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरी, वहीं से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, सो आई गॉट रेडी ओवर देयर एंड एक डेढ़ घंटे में उदयपुर पहुंच गई। तो आई वुड जस्ट शो यू फ्यू ऑफ द ग्लिम्स ऑफ द एयरपोर्ट फ्लाइट। इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस बिकॉज आई टुक द विंडो सीट, तो जो बाहर का व्यू देखने लायक था एज इफ जैसे कि कोई फ्लाइट कोई कॉटन या रुई के बीच में चल रही है। इट वॉज लाइक द क्लाउड्स एंड यू आर वॉकिंग ऑन द क्लाउड्स। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एंड मेसमराइजिंग ब्यूटी इट वॉज। सो माई जर्नी स्टार्टेड, तो ये जर्नी मेरी 1 to 1.5 hours में कंप्लीट हुई। आई रीच्ड उदयपुर बिकॉज मैंने पहले से बुकिंग करा रखी थी। एयरपोर्ट बाहर है उदयपुर सिटी से, मेन जो हमारे डेस्टिनेशन है कवर करने के लिए। सो आई डिसाइडेड द प्लेस टू टेक द होटल एज आई डिसाइडेड टू टेक अ प्लेस इन द सिटी इन द मिड ऑफ द सिटी, सो डैट जब भी हम डेस्टिनेशन ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो एयरपोर्ट से हमने नियर बाय एयरपोर्ट के कुछ नहीं लिया, वी ट्रैवल 40 minutes अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो हम शावरी कॉलोनी में आए। शावरी कॉलोनी में और भी बहुत सारे होटल्स हैं बट वी डिसाइडेड टू टेक दीघर पैलेस। सो फ्रेंड्स, नाउ द डे 2 कम्स। Day 1 was the checking in time, traveling, reaching. So day 2 we were relaxed, we got up in the morning, we had a good breakfast which was available in the hotel, and then we had a breakfast, we again went to the terrace floor and had our good chit chat time. We got ready, so we decided to go to Fateh Sagar Lake. Fateh Sagar Lake bahut bada lake hai. It is a better place if you are looking for boating, if you are looking for sunset, aur aap agar street food khana chahte hain to I would suggest ki aap Fateh Sagar Lake pe jaye. Fateh Sagar Lake pe we decided to have a lunch. So Fateh Sagar Lake pe jab gaye to there are lots and lots of joint street foods, and also enjoy the beauty of the lake, also enjoy the beauty of the sunset at that time. So humne bahut sara khana khaya. These are the pictures of these stalls, you can see some nearby lage hue hain. Aur fir uske baad we decided to go for boating. सो बोटिंग के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक शिकारा बोट है और एक है स्पीड बोट। सो शिकारा बोट विल गिव यू अगेन बोथ आर ऑफ सेम रेट 220 rupees पर हेड, लेकिन शिकारा बोट में आपको हाफ एन आवर की बोटिंग कराएंगे, वेयर इन इट इज़ दे आर 10 to 20 पीपल सिटिंग इन आर बोट एंड देन दे विल टेक यू अलॉन्ग टू द फतेह सागर लेक। फतेह सागर लेक एक बहुत ही बड़ी लेक है एंड अ नाइस लेक।
अगर आपको सिर्फ ऐसे ही पानी में घूमना है, लेक में बैठना है, तो आप आधे घंटे की शिकारा बोट ले सकते हैं। बट वी वॉन्टेड टू डू सम एडवेंचर, हमें कुछ इस टाइप का एडवेंचर करना था। सो अगर आप इस टाइप के एडवेंचरस करना चाहते हैं स्पोर्ट्स एंड यू आर यंग पीपल एंड आपको डर नहीं लगता, तो आप आई वुड सजेस्ट कि आप स्पीड बोट लीजिए। स्पीड बोट की मस्ती और मज़ा कुछ और ही है। 220 रुपीज़ ज़रूर है एंड इट इज़ फॉर 2 to 3 मिनट्स। So I would recommend to go for a speed boat, which we also took. You can have a glimpse, you know, you can see humne choti si clip banayi hai wahan pe. It was full of masti. It was amazing experience. Sunset was there, so the beauty of sunset, watching the sunset in the lake, the shadow was there. It was a mesmerizing beauty, the lake around, the boats around, nature around, you know, the nature itself is so beautiful. So and of course uske sath adventure add kar do to uske maze kuch aur hi hain. So it was a great experience. It was just for 2 to 3 minutes but I still remember the same. So hamari boating complete hoti hai ab. उसके बाद वी डिसाइडेड टू हैव अ साइकिल। सो आपको किराए में साइकिल भी मिलती है। अगर आपके पार्टनर के साथ आप साइकिल चलाना चाहते हैं तो आप डबल सीटर वाला साइकिल ले सकते हैं, विच इज़ ऑफ 100 rupees फॉर 1 hour। और बट हमने सिंगल साइकिल लेने का सोचा तो इट वॉज 30 rupees पर आवर्स, जिसके लिए आपका आधार कार्ड या ID प्रूफ को लेते हैं। एंड वी डिसाइडेड टू गो अराउंड द लेक विद द साइकिल। फतेहसागर लेक से तो हमने स्ट्रीट फूड खा लिया, अब हमने डिनर करना था। सो डिनर हमने डिसाइड किया कि हम लेक पिचोला जाएंगे। लेक पिचोला में अमरोही रेस्टोरेंट हमने सेलेक्ट किया। इट इज़ अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल, बट द प्रॉब्लम इज देर इज़ लॉट्स ऑफ वेटिंग। 30 to 40 मिनट्स का वेटिंग है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू दिस रेस्टोरेंट, डू योर बुकिंग ऑनलाइन सो डैट आपको वेटिंग ना मिले। यहाँ पे बार भी है, इफ़ यू वॉन्ट टू हैव योर ड्रिंक्स यू कैन डू दैट। यू कैन सी द ब्यूटी अराउंड, इट इज़ यू कैन सी द प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे सनसेट ब्यूटी बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ पे ट्रेडिशनल म्यूजिक भी प्ले कर रहे थे, दे वर प्लेइंग तबला। द एम्बियंस वॉज सो गुड दैट आपका मन ही नहीं करेगा वहाँ से उठने का। सो डू विजिट दिस अमरोही रेस्टोरेंट वेन यू आर इन उदयपुर। नाउ द डे 3 केम। सो यहाँ पे हम लोग फिर से बहुत एक्साइटेड थे। सो हमने सिटी पैलेस को चूज़ किया। वैसे उदयपुर में बहुत सारे पैलेसेज हैं बट वी वेंट फॉर 4 डेज, सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर द मोस्ट यू नो गॉर्जियस पैलेस, विच इज़ बिल्ड ऑन द बैंक ऑफ लेक पिचोला एंड इट इज़ कंसिडर्ड द लार्जेस्ट रॉयल कॉम्प्लेक्स इन राजस्थान। The palace was built in 1559 by Maharana Uday Singh. The courtyards, the corridors, the terraces and gardens all make up for a stunning view. So let's take you along with few pictures and chota chota sa clip. Ya agar aapne Udaipur Palace City Palace travel karna hai, so aapko agar bahar ke liye view chahiye to it is for 30 rupees. Agar aapko pura palace dekhna hai so it is of 300 rupees, lekin yahan ticket milti hai aur palace aate hain. So agar aap paidal nahi chalna चाहते हो, 1 kilometer का डिस्टेंस है, यू गेट अ बैटरी रिक्शा, सो यू कैन पे 50 rupees पर हेड एंड टेक दैट एंड कम टू द पैलेस, बिकॉज पैलेस में आपको बहुत चलना पड़ेगा। सो यू कैन यू नो सेव दिस टाइम, टेक दैट बैटरी रिक्शा विद 50 rupees एंड कम टू द पैलेस डायरेक्टली। सो हमें यहाँ पे दो से तीन घंटे लगे पूरे पैलेस घूमने में। हमने यहाँ पर पैलेस में एंट्री किया, वहाँ पे मैंने रूम्स देखे। इट वाज यू नो द कहते हैं नक्काशी देखना, इट वाज सो ब्यूटीफुल। यू नो उस टाइम पे भी लोग कितने आर्टिस्टिक हुआ करते थे, जो आज भी नहीं मिलेगा। हमने वहाँ पे किचन देखा, राजा का बेडरूम देखे, सिटिंग प्लेस देखा, मीटिंग प्लेसेस देखे, और वहाँ पे राजा के कपड़े देखे, द किंग ड्रेसेस वर देयर, चैरियट वाज देयर। एक पूरा ही म्यूजिकल गैलरी बना रखी है जिसमें डिफरेंट टाइप के आप पिक्चर्स देख सकते हैं, कि हमें डिफरेंट टाइप के वायलिन, गिटार और उस टाइम पे जो यूज़ हुआ करते थे उनके राजा महाराजाओं के टाइम पे, तो वो सब हमें दिखे अलग अलग तरीके के। सो सच अ ब्यूटीफुल थिंग्स। चैरियट्स देखे, सबसे ब्यूटीफुल तो मुझे ये हॉर्स लगा, कि ऐसा लग रहा था कि जैसे सच का कोई हॉर्स है। एंड इट वॉज सच अ सेल्फी पॉइंट। अगर आप कोई अच्छी सी पिक्चर लेना चाहते हैं तो इन दो ब्लैक हॉर्सेस के साथ आप पिक्चर ज़रूर लें। इट इज़ इनसाइड द पैलेस अगेन।
रानी का यू नो जहाँ पे उसका फ्रेंड मीटिंग पॉइंट था वो भी बहुत सुंदर है, जहाँ पे रानी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलती थी। राजा का रूम्स देखे, किचन देखी रानी की, देखने उस टाइम पैलेस का किचन देखा, वहाँ के यूटेंसिल्स देखे। इट वॉज सच अ मेसमराइजिंग थिंग्स। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं, बट ये हमारा थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे हम थे, बिकॉज इट इज़ बिल्ड ऑन द माउंटेन। दैट इज़ द रीज़न आप पैलेस के अंदर बड़े बड़े पेड़ देख सकते हो। इट वॉज सो अमेजिंग टू सी द प्लेस, जहाँ पे एक ही जगह से आपको सनसेट पॉइंट एंड सनराइज पॉइंट पैलेस में ही मिलेगा। सो एक प्लेस से राजा, ऐसा कहा जाता है कि राजा सनराइज भी देखते थे और दूसरे साइड से सनसेट दिखता था। सो इट वॉज सच अ मेसमराइजिंग थिंग, जो हमारे को वहाँ से पूरा सिटी दिख रहा था, लेक दिख रही थी। इट वॉज अगेन अ मेसमराइजिंग ब्यूटी आई वुड से। एंड वहाँ पे जैसे वो बना हुआ है, इट इज़ अगेन अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्लेस। दीज आर दी ग्लिम्स यू कैन सी, जो हमने छोटी सी वीडियोस बनाई हैं और पिक्चर्स हैं, जिससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि उदयपुर सिटी पैलेस कितना सुंदर है। सो अगर आप इसकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लाइट एंड साउंड की, लाइट एंड साउंड शो की भी बुकिंग कर सकते हैं, जो शाम को 7 से 8 होता है। सो बिकॉज वी वर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम तो हम इसको नहीं देख पाए, बट अगर आपको आई वुड सजेस्ट कि आप लाइट एंड साउंड शो ज़रूर देखें, अगर आप इस जगह पे गए हैं। शाम का 7 से 8 के बीच में ये होता है। टिकट्स आर अवेलेबल आउटसाइड द पैलेस ओनली। सो उसके अलावा जग मंदिर, जहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की शादी भी होती है। सो यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक, जो पानी के बीच में, जो मेन बीच में एक प्रॉपर्टी दिख रही है, इट इज़ अ ताज ग्रुप ऑफ होटल्स। इट इज़ अगेन अ ब्यूटीफुल अमेजिंग, अगर चाहें तो आप ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, ताज होटल्स में अपनी बुकिंग करा सकते हैं। ऑफकोर्स इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, बट इफ़ यू कैन अफोर्ड यू कैन स्टे। इट इज़ इन द मिडल ऑफ दी लेक, इट इज़ अमेजिंग ब्यूटीफुल। उसके अलावा आप जग मंदिर की बुकिंग कर सकते हैं। जग मंदिर में उसकी बुकिंग करने के लिए आप ऑनलाइन पहले से ही बुक कर सकते हैं। अगर आपको रात्रि खाना खाना है तो उसकी भी बुकिंग होती है, वो अगेन लेक से ही आपको लेकर जाया जाता है। लंच का जो रेट है वो 1800 रुपीज़ है और डिनर का रेट है वो 2400 रुपीज़ है, जिसमें बोटिंग भी इंक्लूडेड है। वो बोट से आपको लेकर जाएंगे और बोट से वापस लेके आएंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू हैव किंग लाइक डिनर और लंच, यू कैन बुक दिस प्लेस। बुक योर डिनर और लंच बिफोर हैंड। अगर आप एक दिन पहले वीकेंड पे करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बुकिंग फुल मिलेगी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले से करो, क्योंकि हमें भी ये बात नहीं पता थी तो हमारे कोई भी बुकिंग नहीं मिल पाई। प्लीज़ डू बुक योर टिकट्स बिफोर हैंड सो डैट यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी एंड डोंट एंड यू डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग लंच और डिनर ओवर देयर इन द जग मंदिर। जग मंदिर इज अगेन अ ब्यूटिफुल प्लेस, यू कैन हैव अ लुक थ्रू द पिक्चर्स आई हैव शेयर्ड। डे 4 केम, जिसमें हमारे पास सिर्फ हाफ डे ही था घूमने के लिए। सो हमने करणी माता मंदिर ट्रैवल करने का सोचा, जहाँ पे रोप वे भी थी, जिससे जिस रोप वे को आप देख सकते हैं कि रोप वे से हमें पूरे सिटी का लुक मिल रहा था। अगेन इट वॉज पासिंग थ्रू द लेक गोइंग अप टू द माउंटेन। बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पे आप अगर जा रहे हैं तो आपको रोप वे से जाना पड़ेगा। रोप वे का कॉस्ट है 200 रुपीज़ पर हेड, जिसमें आपको अप एंड डाउन इंक्लूडेड है। और आप अगर आपकी फैमिली के लिए पूरा कैबिन बुक करना चाहते हैं तो 600 टू 700 रुपीज़ है। बट अगर आप सिंगल सिंगल बुक करते हैं तो उसमें 3D गैलरी भी आप विजिट कर सकते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अगर वेटिंग के टाइम पे ऐसे ही वेट करने से अच्छा है कि आजकल जैसे लोग पिक्चर्स लेना पसंद करते हैं, तो 3D गैलरी एक अमेजिंग टाइम पास है। साथ में आपकी अच्छी पिक्चर्स भी आ जाती हैं। आप देख सकते हैं कि हमने भी खूब सारी मस्ती करी, खूब सारी पिक्चर्स ली हैं अलग अलग क्वेश्चंस में। इट वाज अ गुड टाइम, जब तक हमारा टाइम नहीं आया हमने 3D गैलरी में अपना टाइम पास किया। सो गोइंग टू दी रोप, गोइंग बाय द रोप वे टू दी करणी मंदिर, इतनी देर का वेटिंग टाइम है तो बेस्ट थिंग दे हैव डन इज कि उसमें 3D गैलरी उन्होंने बनाई। एक्सपीरियंसिंग द 3D गैलरी, हैविंग पिक्चर्स ओवर देयर, टिल द टाइम आपका नंबर नहीं आता। उसके बाद जब आपका नंबर आए तो आप अपना इससे ट्रैवल कर सकते हैं। सो नाउ इट वॉज टाइम फॉर अस ऑल्सो टू गेट टू द कैबिन।
रोप वे से फिर हमने ट्रैवल किया करणी माता मंदिर किया, फोटो देख वहाँ पे माता रानी की पिक्चर देख सकते हैं, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, यू नो यू फेल्ट लाइक यू नो पूरी शांति थी, मन की शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। वहाँ से पूरे सिटी का व्यू मिल रहा था, इट वॉज़ अगेन सो ब्यूटीफुल अराउंड, एक अलग तरह की शांति है वहाँ पे। सो अगर आप कुछ दान करना चाहते हैं, कुछ वहाँ पे दक्षिणा देना चाहते हैं तो आप दान पेटी में दे सकते हैं। अगर दान पेटी नहीं है तो बेस्ट पार्ट आई हैव सीन इन दिस मंदिर, ये डिजिटल को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। आई हैव सीन दान पेटी में पहली बार पेटीएम का ऑप्शन, सो अगर आप पेटीएम करना चाहें तो आप इस मंदिर में पेटीएम भी कर सकते हैं। सो फिर हमने वापस से माता के दर्शन करके थोड़ा सा वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, पिक्चर्स लिया, नेचर को एंजॉय किया, फिर हम वापस आ गए, रोपवे से हमने वापस लिया। सो रोपवे में अगेन वापस आने में टाइम था, दे हैव मेड इट अप, वहाँ पे मसाज चेयर्स हैं, कुछ अगर खाना पीना है सो अगेन दे हैव मेड अ गुड ईटिंग जॉइंट पॉइंट्स, मसाज चेयर्स, गेम्स, तो आप अपने अगर बच्चों के साथ भी गए हैं तो बच्चे बोर नहीं होंगे जब तक उनका टाइम नहीं आया है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपने पूरी वीडियो देखी होगी और आपको समझ में आया होगा कि आप कौन कौन सी प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे और राजस्थानी थाली आप ज़रूर वहाँ पर ट्राई करिएगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच अपडेट। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। करो योग, रहो निरोग।